गोपाल जी ठाकुर हो या बीजेपी के खोखले वादे हो, उसको बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। पापा पहुंचे ना पहुंचे, हर जगह हम लोग साथ में पहुंचेंगे। आरजेडी का झंडा हर जगह पहुंचेगा, जहां जहां बोर्ड लगाया। आप पिछले 10-15 साल के काम करने वाले जिन सांसदों को चुना गया उनसे पूछिए, हमें पता है कि हम काम पे रहते हैं। आप जाके हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सदन में जब 2010 में मेरे पिता घूमने का काम कर रहे थे, सब बोल रहे थे यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। ब्राह्मणों की टोली में लोग बोल रहे थे हम शादी कहाँ करवाएं, कोई आना आने का जगह नहीं है, कोई शादी में कर नहीं पाएगा यहाँ पे। उन्होंने वादा किया कि जैसे वो सबसे पहले MLA बनेंगे, काम करने का वहाँ पे रोड बनाने का काम करेंगे। और आप जाके देखिए सदन में, जहाँ जहाँ लोग जा नहीं पाते थे वहाँ पे आज वो आराम से गाड़ी घोड़ा जा रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा, सब संयम रखें, सब अपना आशीर्वाद बनाएं और दरभंगा की धरती पे RJD का झंडा फहराएं। और काम जो जो अभी जिन्होंने बस बोर्ड पे किया है, हम उसको धरातल पर करके। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और दरभंगा की जनता पूरी रोड पर आ गई है। रोड पर यानी ललित यादव के स्वागत में आ गई है। ललित यादव के सपुत्र मौजूद है हमारे साथ। क्या लगता है, आपके पापा इस बार बाजी मारेंगे या नहीं मारेंगे? दरभंगा का माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? देखिए, ये तो आपको यहाँ पे अगल बगल देख के ही पता चल जाएगा कितना लोगों में उत्साह है। हम लोग वैसे तो घूम रहे थे क्षेत्र सब में और पता चला कि लोगों का मांग था कि मेरे पिता माननीय ललित कुमार यादव को आना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने पार्टी कमान से बात किया और बोला कि हाँ, हम तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जनता हमें चाहती है। हर जगह जहाँ जा रहे थे उनका मांग था। इसी उत्साह के वजह से हमें चुना भी गया है और लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। और अगर भगवान चाहेंगे तो आपके बीच में 2024 में दरभंगा में आपका RJD का तिरंगा लहराएगा। और जितना भी गोपाल जी ठाकुर हो या बीजेपी के खोखले वादे हो, उसको बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार पर, अब क्या बोलेगा? पिछली बार बिहार ने 39 सीट दे दिया मोदी जी को। देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 400 बार बोले या 545 भी बोले वो उनका मर्जी है। बोला उन्होंने राजस्थान में भी कुछ और था, छत्तीसगढ़ में भी था, उससे कहना उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। महागठबंधन माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने को तैयार है। और मेरे पिता आज यहाँ पे आगमन कर रहे हैं और हम अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप मानिएगा नहीं, जितने लोगों को हमने बुलाया था उससे अधिकतर लोग आए हैं। जो भी प्रत्याशी खड़े हों, जनता भगवान है, जनता चूज करेगी किसको बढ़ना है आगे, किसको नहीं बढ़ना है आगे। जनता का मांग था माननीय ललित कुमार यादव, मेरे पिता को आना है, तभी हम लोग यहाँ पे अभी मैदान में मौजूद हैं। दरभंगा जिला का हमेशा से मांग रहा है शिक्षा, और दरभंगा टाउन की बात की जाए तो दरभंगा टाउन में ब्रिज की मांग है, दरभंगा में हॉस्पिटल की मांग है। आज 75 साल 76 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन दरभंगा में एक भी ब्रिज नहीं बना। अगर ललित यादव जी आपके पिताजी जीतते हैं तो क्या ब्रिज बनेगा दरभंगा में, जिसमें एम्बुलेंस फंस जाती है, गरीब लोग बीमार रहते हैं, फंस कर मर जाते हैं? देखिए, इस मामले में आपको पिछले का भी काम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बीजेपी यहाँ पे कितने समय से है। आप दरभंगा जिला की देखिएगा तो किरतपुर एक ऐसा प्रखंड है जहाँ 7 गांव पड़ते हैं, नदी में पुल नहीं है, पिछले 2 महीना से लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज तक न पक्ष के नेता गए न विपक्ष के नेता वहाँ पर गए। ये सवाल करें तो किससे करें, ये बताइए। इस चुनाव होने दीजिए, सवाल आप हम ही से करिएगा। और इसमें हम पीछे रहे तो मेरा, आज आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, पापा पहुँचे ना पहुँचे हर जगह हम लोग साथ में पहुँचेंगे। RJD का झंडा हर जगह पहुँचेगा, जहाँ जहाँ बोर्ड लगाया। आप पिछले 10-15 साल के काम करने वाले जिन सांसदों को चुना गया उनसे पूछिए, हमें पता है कि हम काम पे रहते हैं। आप जाके हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सदन में जब 2010 में मेरे पिता घूमने का काम कर रहे थे, सब बोल रहे थे यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। ब्राह्मणों की टोली में लोग बोल रहे थे हम शादी कहाँ करवाएं, कोई आने का जगह नहीं है, कोई शादी में कर नहीं पाएगा यहाँ पे। उन्होंने वादा किया कि जैसे वो सबसे पहले MLA बनेंगे, काम करने का वहाँ पे रोड बनाने का काम करेंगे। और आप जाके देखिए सदन में, जहाँ जहाँ लोग जा नहीं पाते थे वहाँ पे आज वो आराम से गाड़ी घोड़ा जा रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा, सब संयम रखें, सब अपना आशीर्वाद बनाएं और दरभंगा की धरती पे RJD का झंडा फहराएं।
और काम जो जो अभी इन्होंने बस बोर्ड पे किया है हम उसको धरातल पर करेंगे, धरातल पे करके ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर। चुनाव लड़ने का मकसद यही है जी, चुनाव लड़ने का मकसद यही है। जितना गिरा हुआ काम जो आज हमारे देख रहे हैं आप सांसद जी जो है जो नहीं किया दरभंगा में, बोल के भी नहीं किए, और भी नहीं बनवाया, वोट लगा दिए ना काम होवे, वही ना वोट लगा के झूठा वादा करके आज तक कुछ नहीं किए हैं। उसको ललित कुमार यादव जी, ललित यादव जी उसको सारा काम कंप्लीट करके देगा और अपना झंडा लहरा के दिखाएगा। और जितने गरीब के साथ है वो सबके साथ है, युवा के साथ, गरीब के साथ, सबकी मसला। देखिए शर्मा जी चंदन टीका लगा लिया, आप मोदी जी से काहे नाराज हो गए, मोदी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। इधर देखिए एक बात जान लीजिए, मोदी जी आज तक पैदा नहीं लिया देश में प्रधानमंत्री की इतना झूठ बोला हो, पैदा नहीं लिया है कि जितना झूठ बोलता है ये जुमले की सरकार। ये सुनिए, यह बार जो है ना यह देश का अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव और माननीय ललित यादव शेरे बिहार दरभंगा से जीत के 5 लाख वोट से जीतेगा, 5 लाख वोट से, 5 लाख वोट से ललित यादव। नाम आप गोपाल जी ठाकुर को कहते हैं, वो केवल जुमला के साथ फोटो खिंचाने के साथ रहता है, लेकिन एक भी काम अगर गिना देगा तो मैं उसका जूता के तर में रहूंगा, नहीं तो जूता के खाने के लिए तैयार रहे।